भाई कितनी खूबसूरत लग रही है देखने में नज़ारा, ये इस तरह का व्यू। और भाई देखो ये ऐसा कुछ पहाड़ है भाई, ये दोनों पहाड़ के बीच में एक बना हुआ है, इसी में स्नान होगी भाई। भाई नज़ारा तो बहुत अच्छा है। और चलो भाई अब चुके हैं, चल चल हालत खराब। यहाँ पे बहुत ही मज़ा आ रहा है भाई, यहाँ पे देख सकते हैं झरना किस तरह से गिर रही है और बहुत ही मज़ा आ रहा है भाई। भाई पानी के ऊपर गया, चोट है भाई, भयंकर लग रहा है और मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। और यहाँ पे सब लोग यहाँ मस्ती कर रहा हूँ, एकदम निहाना है भाई। और भाई देखो ये किस तरह से गिर रहा है भाई, बहुत ही मज़ा आ रहा है। फिर से आप लोगों में स्वागत है। और भाई हम जा रहे हैं अभी बहुत ही अच्छी ट्रैवल पर जा रहे हैं, और जो कि राजगीर में मेला लग रही है, ठीक है ना। और वहीं पे राजगीर के एरिया में हम पूरा घूमेंगे और आप लोग को नए नए वीडियो आप लोग देखेंगे, नए नए जगह का भी आप लोग को टूर कराएंगे। यहाँ पर गाड़ी मेरा लगा हुआ है और इसी गाड़ी पर हम लोग बैठ के भी जाएंगे, और जाना है पीछे, तो भाई चलो वहाँ पर चलते हैं, इसी गाड़ी में बैठ के भी जाएंगे हम। का यही रास्ता है, यही चौक है, ठीक है ना, कोकोलर का, ठीक है ना। यहीं से हम लोग सीधा भी जाएंगे, यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी है, ठीक है ना। और यहाँ पे पहाड़ बगल में यहाँ पर देख सकते हैं, यहीं से भी हम लोग टर्न अभी जाएंगे वहाँ पे, और फिर वहाँ पर पहुँचते आप लोग दिखाते हैं। तो भाई हम लोग फाइनली कोकोलर के पास पहुँच चुके हैं, और भाई देखो यहाँ पे हम लोग का गाड़ी लग गया हुआ है, ठीक है ना। और राजा भाई विष्णु सब यहाँ पे उतरा हुआ है, एक लाइन से देखो भाई यहाँ पे गाड़ी लगा हुआ है। और यहाँ एकदम सीधे हम कन्हौर पे जाना है, जो कि इस तरफ है, ठीक है ना। अब इस तरफ कहाँ पे नहीं है, बोला है कि बंद भी है, पता नहीं क्या है, हम लोग कन्फर्म में भी नहीं है। और चलो भाई वहाँ पे पहुँचते तो आप लोग पता चलेगा, हमको भी पता चलेगा कि बंद है कि खुला हुआ है। और भाई नज़ारा तो बहुत खूबसूरत है, और भाई सन्नाटा भी है, भाई शेर निकल के मस्त कटाते, हम खाली गाना डाल के, हाँ, अगर शेर निकल जाए तो चिकन फ्राई हो जाएगा हम लोग, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा बच के चलना पड़ेगा, ठीक है ना। भाई हाथ भी दुख रहा है भाई, ये मेरा स्टेने भूल गया मैं, ठीक है ना। भाई इस तरफ है किस तरफ हमको लोग खुद कंफर्म नहीं है। अब देखो भाई है इस तरफ कोकोलाट, इस तरफ है भाई। और यहाँ पे देखो भाई बंद है, ये घेरा हुआ है। तो गाइस देखो फाइनली ये पहुंच चुके हैं, और यही मेन द्वार है, ठीक है ना। यहीं से हम लोग एंट्री करेंगे, और यहीं से बस कुछ ही दूर पे है, ठीक है ना। चलो भाई चलते हैं अंदर में। तो गाइस फाइनली एंट्री कर चुके हैं, और ये रहा कुछ इस तरह का व्यू अंदर आने का। और भाई जल्दी चलते हैं, यहाँ पे एक ये माता जी हैं जो बोल रहे हैं कि भाई
जल्दी से स्नान करके निकल जाओ, नहीं तो प्रशासन आएगा तो मार लग जाएगा। ये किस तरह से नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा भाई। यहाँ पे देखो, ये देखो माउंट एवरेज बहुत ही मस्त, हरियाली पूरा भरा हुआ है। और यहाँ पे सब लोग आगे जा चुका है, हम लोग फिलहाल के लिए अभी पीछे। भाई फोटो खींचने लगे थे, वीडियो बनाने के लिए थोड़ा टाइम लग गया था भाई। सब लोग को गेताल पर आया, थोड़ा जल्दी दौड़ के जाते हैं वहाँ पे। चलो ब्लॉग को वहाँ पे पहुँच के स्टार्ट करते हैं। पानी की धारा कैसे चल रही है यहाँ पे, और वो साइड में बस पहुँचने ही वाले हैं। बस यहाँ पे कुछ कुछ काम चल रही है, इसीलिए यहाँ पे बंद कर दिया गया था भाई। देखो यहाँ पे किस तरह से घुमटी उमटी सा लगा हुआ है, यहाँ पे मेला लगा, ठेला लगती है, यहाँ पे अच्छा खासा दुकान लगती है। चलो भाई वहाँ पर पहुँचते हैं फटाक दौर। भाई क्या मस्त नज़ारा लग रही है देखने में। और सामने देखो भाई, वो झील गिर रही है भाई, बहुत ही खूबसूरत में झील गिर रही है भाई, आप लोग देख सकते हैं भाई। यहाँ पे तो देखने का खूबसूरती का मज़ा ही अलग आ रहा है। वहाँ पानी यहाँ से भाई गंदा दिख रहा है। भाई जल्दी जल्दी चलते हैं, इन्हें तो फिर भाई प्रशासन जी तो नहाने नहीं दिया भाई, तेजी से नहाना होगा भाई। चलो भाई चलते हैं। भाई कितनी खूबसूरत लग रही है देखने में नज़ारा, ये इस तरह का व्यू। और भाई देखो ये ऐसा कुछ पहाड़ है भाई, ये दोनों पहाड़ के बीच में एक बना हुआ है, इसी में स्नान होगी भाई। भाई नज़ारा तो बहुत अच्छा है, मगर चलो भाई थक चुके हैं, इतना नीचे भाई देखो चार चार की हालत ख़राब है। कुछ इस तरह से झरना यहाँ पर झरती है, और भाई यहाँ पे स्नान हो रही है भाई। भाई बहुत ही खूबसूरत नज़ारा भाई, यहाँ पे सब लोग कमरा खोल लें। और भाई अभी हम नहाएंगे भाई, देखो यहाँ पे काली माता भी सामने है, और नहाओ स्नान करो, जाओ पूजा पाठ करो यहाँ पे काली माता का। और यहाँ पे देखो भाई कुछ इस तरह से यहाँ पे झरना झर रही है, सब लोग यहाँ पे रेडी होते नहाने के लिए, फटाफट से भाई रेडी हो जाओ। तो भाई वहाँ पे देखो किस तरह से स्नान वहाँ पे कर रहा है, हम भी वहाँ पे जा रहे हैं भाई। भाई बहुत जोर जोर से पानी गिर रहा है भाई, मजा आ रहा है भाई। ओ भाई गजब का नजारा, ओ भाई गजब का नजारा भाई, जोर से सो भाई। ओ भाई देखो बस स्नान कर रहा, मैं मोबाइल भी भीज गया। ए हल्ला ना ना। यहाँ पे बहुत ही मजा आ रहा है भाई, यहाँ पे देख सकते हैं झरना किस तरह से गिर रही है, और बहुत ही मजा आ रहा है भाई नहाने में। भाई भाई पानी देने पर गिरा चोट था भाई, भयंकर लग रहा है, और मजा भी बहुत ज्यादा आ रहा है। और यहाँ पे देखो सोने भाई बैठने के बाद सब लोग यहाँ मस्ती कर रहे हो, एकदम नहाना है भाई। और भाई देखो ये कुछ इस तरह से गिर रहा है भाई, बहुत ही मजा आ रहा है। भाई मोबाइल को हम रख देते हैं पहले।
बहुत ही मजा आया सुकून भरी झील में भाई। छोटा सा झील है मगर छोटा सा बड़ा हमको धमाका दे रहा है। हाँ भाई कोकोनट ये भाई बहुत ही नामी है राजगीर का ये भाई। और यहाँ पे आए मजा ले और यहाँ पे पता करके आए ठीक है ना, पता करके आए कब ये चालू रहते हैं, काम चली इसीलिए यहाँ पे थोड़ा बंद हो जाते हैं। बंद होने के बाद ही तभी हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे मस्ती किया और स्नान किया। और चलो भाई अब थोड़ा पहले फोटो ग्रुपिंग चालू हो जाता है भाई, कपड़ा भीगे भीगे हुए जाएंगे आएंगे। भाई भाई तो मजा आ गया भाई, यहाँ स्नान करके पहली बार जिंदगी में पहली बार मैंने झील पे नहाया हूँ और भाई झील का मजा ही कुछ अलग है भाई। ऊपर से पहाड़ गिरता है, छोटा छोटा कंकर भी गिरता है, थोड़ा बच के हम लोग नहाए हैं भाई। देखे था साइड में एक किसी का ब्लड गिरा हुआ था भाई। भाई देखो यहाँ पे किस तरह से वो लोग आ रहा है अपना अपना सामान लेके। देखो भाई कोई कपड़ा लेके नहीं आया था, कोई कपड़ा जो पहन के आया वही पहन के जा रहा है, सब भीगा भीगा हुआ पहन। और भाई देखो ये झील का कुछ इस तरह का नजारा और पहाड़ का नजारा दिखाते हैं भाई किस तरह से। देखो भाई ये देखो ये पहाड़, दो पहाड़ की ये बीच में है ये झील ठीक है ना, कोकोनट झील इसको बोला जाता है। यहाँ पे दो पहाड़ के बीच में है और भाई बहुत ही ज्यादा मजा आ गया था। और आप लोग यहाँ पे आके इंजॉय करें। अभी यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन लाइन का कुछ काम चल रही है, जैसे कि यहाँ पे पहाड़ गिरी थी वो सब देख रहे हैं आप लोग, वो सब टूट गया था पार गिरने के कारण ठीक है, टूट गई थी पार, ये सब टूट गया था, ये रिपेयरिंग हो रही है पूरा। और यहाँ पे भाई बिना परमिशन के हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, अभी प्रशासन आएगा तो हमको मार भी लग जाएगा भाई। जल्दी से यहाँ से कल्टी लो आए, मतलब मार नहीं खाना है भाई, कपड़ा भीगे हुए सब पहन के भाग रहे हम लोग। अब जाएंगे गर्मी में रखा हुआ कपड़ा वहां पे जाएंगे पहनेंगे उसका। बोलो जय श्री राम। चलो भाई चलते हैं, और भाई चलते हैं वहां पे कपड़ा। फाइनली हम रेडी होके और गाड़ी पर बैठ गए, अब निकलते हैं यहाँ से अगला डोर पे। चलो भाई कहाँ पे जाते हैं वहाँ पे पहुँच के आप लोग दिखाते हैं। तो अभी सब लोग यहाँ पे बैठ चुके गर्मी में और निकलते हैं भाई। चलो रेडी भाई चलने क्या। अब यहाँ पे सब बैठ गए खाने के लिए, सब यहाँ पे बैठे हैं, वहाँ पे ड्राइवर जी बैठे हैं, यहाँ पे ये सब इस सारा भाई बैठ गया है ग्रुप में ठीक है ना। देखो भाई लिट्टी क्या रहा है, लिट्टी है देखो भाई, लिट्टी है, कचौड़ी है, आलू की भुजिया है, अचार है। और वहाँ पे देखो है ये रहा बजरंगी खीरा, यहाँ पे देखो खीरा प्याज सब है यहाँ पे ठीक है ना, यही सब। सामने वाला ये हाईवे पे रुके हैं। और भाई ये देखो भाई ये बहुत बड़ा ये बिजली का, ये बिजली का ट्रांसफर ये करा है भाई। ये देखो यही मेन रोड है, यही चल जाएगी नवादा, नवादा चल जाएगा और राजगीर चल जाएगी ठीक है सीधा दम। और ये साइड रांची चल जाएगा दम सीधा, रांची चल जाएगी ठीक है ना, रांची की ओर ये रास्ता सीधे चल जाएगी। यहाँ पे बजरंगी बैठ गया, राजा विष्णु सोनू ये सब यहाँ पे बैठ के खाने के लिए। और देखो भाई ये पूरी दे रहा राजा, आज भाई हम नहीं खाएंगे कल से खाएंगे ठीक है ना। आज इस लोग का राजा खाने का, कल मेरा राजा का खाने का, क्योंकि कल ये तो बसिया हो जाएगा।